नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरीका के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरान पीएम मोदी 4थे वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे के दौरान यूएन में समिट ऑफ द फ्यूचर को भी संबोधित करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य गंभीर चुनौतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के वैश्विक सहयोग को मजबूत करना है। इसके अलावा पीएम मोदी कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और आपसी हित के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार तेजी से जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में रैलियां करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करेंगे। वे जम्मू जिले के सीमावर्ती क्षेत्र खोर के छम्ब में एक रैली को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी आज दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। साथ में 5 कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह शाम 4:30 बजे आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने 26 और 27 सितंबर को 2 दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। इस सत्र के दौरान आतिशी को बहुमत सिद्ध करना होगा, जो उनकी सरकार की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतिशी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। वहीं राष्ट्रपति ने अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा स्वीकार किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान त्रिमुला लड्डू में पशु चर्बी की मौजूदगी पर त्रिमुला तिरुपति देवस्थानम से रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट किया कि तिरुमला मंदिर की पवित्रता को धूमिल करने और श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने तिरुमला लड्डू बनाने में मिलावटी घी के इस्तेमाल से संबंधित मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू से बात की। मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी है। तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है। बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने तिरुपति बाला मंदिर के प्रसाद में मिलावट के मुद्दे पर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों की चुप्पी पर भी सवाल उठाया है। तिरुमला मंदिर के पूर्व पुजारी ने कहा कि कई साल पहले इस पर ध्यान दिया था, इस मामले को अधिकारियों और ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष के सामने रखा था, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। तिरुपति के लड्डू में जानवरों की चर्बी के मामले पर आरोप लगाया जा रहा है। केस में अमूल घी का इस्तेमाल हुआ। अमूल कंपनी ने आरोपों पर कहा कि उन्होंने कभी भी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को घी की आपूर्ति नहीं की। कोलकाता के जूनियर डॉक्टर आखिरकार आवश्यक सेवाओं में सशर्त काम पर लौटाए हैं। डॉक्टर सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम देकर वापस काम पर लौटे हैं, ताकि इन 7 दिनों के भीतर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपील की है कि वे पंजाब में निजी अस्पतालों का बकाया जल्द से जल्द चुकाएं। पंजाब में निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं ने राज्य सरकार से बकाया न मिलने के कारण सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत कैशलेस इलाज को रोकने की घोषणा की है। दिल्ली एम्स के मेडिकल छात्र इन दिनों प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र ऑप्टोमेट्री कॉलेज पढ़ाई और सुरक्षा समेत छात्रावास की दिक्कत दूर करने जैसी कई मांगें कर रहे हैं। दिल्ली एम्स के छात्रों ने कहा कि हमारा विरोध AIIMS प्रशासन के खिलाफ है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया पाठ्यक्रम एम्स द्वारा लागू नहीं किया गया है। हमें पढ़ाने के लिए ट्यूटर नियुक्त नहीं किए गए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज मुंबई के जुहू बीच पर समुद्र तट सफाई अभियान में हिस्सा लिया। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जम्मू, जहां इस वक्त केंद्रीय मंत्री अमित शाह रैली कर रहे हैं। आज मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन है कि मैं मेंढर में यही पहाड़ियों की 1947 से आज तक किसी ने रक्षा की है तो मेरे पहाड़ी गुर्जर बकरवाल भाइयों ने की है। पूरा देश ये वादियों में रहने वाले देशभक्त गुर्जर पहाड़ी भाइयों पर फखर करता है, नाज करता है, सलाम करता है। 47 के बाद जितनी भी लड़ाइयां हुई पाकिस्तान से, हिंदुस्तान का सिपाही बनकर यहां के पासिंदों ने भारत की रक्षा की है। जब 90 के दशक में फारूक अब्दुल्ला साहब की मेहरबानी से आतंकवाद आया, दहशतगर्दी आई, तब भी सीनों पे गोलियां मेरे पहाड़ी और गुर्जर बकरवाल भाइयों ने झेली हैं। और मैं आज मेंढर की इस पहाड़ी पर आकर आप सभी को कहना चाहता हूं कि पूरा देश आप पर नाज करता है, पूरा देश आपका सम्मान करता है। भाइयों बहनों, मुर्तुजा जी ने मुझे जितनी भी बार फोन किया, जितनी भी बार मिले, एक भी बार खुद की बात नहीं करी। उन्होंने पहाड़ी समुदाय, गुर्जर समुदाय, यहां के पिछड़े वर्ग की बात कर आपके दिक्कत भरे जीवन के लिए काम करने की मांग की। और मैं आज अपील करने आया हूं मेंढर के मतदाताओं को कि नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ने का, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का, मेरे साथ जुड़ने का सबसे पुख्ता रास्ता हमारा मुर्तुजा खान है, उसको मजबूत कर दीजिए। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव जम्मू कश्मीर में ये तीन परिवारों का शासन समाप्त करने वाला चुनाव होने वाला है। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू गांधी परिवार, वो इसलिए जरूरी है कि तीनों परिवार ने हमारे यहां जमहूरियत को रोक कर रखा था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ना आती तो मुझे बताओ पंचायत के चुनाव होते क्या, जरा जोर से बोलो, होते क्या? ब्लॉक के चुनाव होते क्या? जिले के चुनाव होते क्या? आज इस मंच पर ब्लॉक के और जिला पंचायत के चुने हुए सदस्य बैठे हैं, उनको कभी मौका नहीं मिलता। वो तो अपने तीन परिवारों की सल्तनत को संभालने में पड़े थे। नरेंद्र मोदी जी है भारतीय जनता पार्टी और मुर्तुजा भाई जैसे लोग जिन्होंने जमहूरियत के लिए संघर्ष किया, और आज कश्मीर का 30,000 युवा जम्मू कश्मीर का अलग अलग जगह पे चुनाव लड़कर जमहूरियत का आनंद ले रहा है, अधिकार भोग रहा है। और मैं आपको बताकर जाता हूं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम अगर आएंगे तो ये सारी बातों पर पुनर्विचार करेंगे। मुझे बताओ भाई, ये पहाड़ के लोगों को अपने पंचायत का अध्यक्ष चुनने का अधिकार है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ब्लॉक पंचायत चुनने का अधिकार है या नहीं है? जिला पंचायत चुनने का अधिकार है या नहीं है? कौन रोक रखा? ये फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती,
और कांग्रेस पार्टी रोक कर रखी थी, इसको जमीन पर उतारा तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने उतारा। नरेंद्र मोदी पूरे जम्मू कश्मीर में 90 के दशक से अब तक 2014 तक दहशतगर्दी फैलाई, 40,000 युवा मारे गए, हाथ में पत्थर लेकर अपने भविष्य को समाप्त किए। ये तीनों परिवारों ने दहशतगर्दी को रोका नहीं, रोका इन्होंने आगे बढ़ाने का। आज तो जम्मू के मेंढर में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधन कर रहे थे। फिलहाल आइए बुलेटिन की तरफ लौटते हैं और खबरों पर नजर डालते हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर में मिशन लाइफ का नारा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के अवसर पर भारतीय तटरक्षक बल ने चेन्नई के मरीन बीच पर सफाई अभियान चलाया। भारतीय सेना के जवानों ने स्वदेशी ALH ध्रुव हेलीकॉप्टरों के साथ लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात में ऑपरेशन शुरू करने से पहले अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति 26 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 5 राज्यों में अनौपचारिक चर्चा करेगी। आम आदमी पार्टी ने मनोज धनोवर को असम का पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भावेन चौधरी को राष्ट्रीय संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। दिल्ली महिला आयोग ने नियुक्तियों में गड़बड़ी के मामले में राउल एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई 1 अक्टूबर के लिए टली। दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ी के मामले में आरोपी स्वाति मालीवाल की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। स्वाति मालीवाल ने निचली अदालत से आरोप तय होने के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। स्वाति मालीवाल पर आरोप है कि उन्होंने महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर रहते हुए अगस्त 2015-16 के बीच गैरकानूनी तरीके से अपने जानकार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की थी। झारखंड में JSSC CGL की परीक्षा को लेकर राज्य सरकार ने किसी भी तरह से संभावित पेपर लीक को रोकने के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने का ऐलान किया है। मौसम में सुधार होते ही चारधाम यात्रा में भक्तों की तादाद बढ़ने लगी है। उत्तराखंड सरकार तीर्थयात्रियों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। मौसम विभाग ने मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा में आज भारी बारिश की संभावना जताई है। पटना में भारी बारिश के कारण दानापुर के कई गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। दानापुर में बाढ़ की स्थिति पर अनुमंडल पदाधिकारी दिव्या शक्ति ने कहा कि हम लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। गुजरात में जामनगर के कलेक्टर भाविन पांड्या ने कहा कि जामनगर में बाढ़ से प्रभावित लोगों को 20 करोड़ रुपए से अधिक की राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई। वाराणसी में भारी बारिश के बीच गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण नाव सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि बाढ़ प्रबंधन पहले से किए जाने की जरूरत है, सरकार को इसके लिए कदम उठाने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों के तत्काल पुनर्वास और बचाव की जरूरत है, जहां तक संभव हो बुनियादी ढांचे को आपदारोधी बनाया जाना चाहिए। पटना के NIT कैंपस में एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। मृतका के कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर में आनंदेश्वर मंदिर परिसर के बाहर सो रहे दो लोगों को एक कार ने कुचल दिया। पुलिस CCTV कैमरे की मदद से मामले की जांच कर रही है। और बुलेटिन में यहां लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DT न्यूज। प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। वाला, वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा,
अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है, बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा लाइए, मुझे दीजिए फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाथ धोकर आते हैं साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर सवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आइए आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की पूंजीगत व्यय योजना की समीक्षा की और इन निधियों के समय पर और कुशल उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। निर्मला सीतारमण ने शहरी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय लक्ष्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा हो और वित्त वर्ष के अंत तक पूरा बजट राशि का पूरा उपयोग हो। आरबीआई ने अपने बुलेटिन में कहा कि वैश्विक आर्थिक गतिविधि धीमी पड़ रही है, महंगाई में कमी की रफ्तार सुस्त होने से मौद्रिक नीति अधिकारियों के बीच सतर्कता बढ़ रही है। आरबीआई ने कहा कि 2024-25 में खुदरा महंगाई 2023-24 के 5.4% से घटकर 4.5% पर आ सकती है, 2025-26 में ये और कम होकर 4.1% पर आ जाएगी। कृषि श्रमिकों और ग्रामीण मजदूरों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में घटकर क्रमशः 5.96% और 6.08% हो गई। आरबीआई बुलेटिन में कहा गया कि सितंबर पिछले 14 वर्षों में मेन बोर्ड व SAMME दोनों क्षेत्रों में IPO के लिए सबसे व्यस्त महीना होने वाला है। अब तक 28 से अधिक कंपनियां बाजार में प्रवेश कर चुकी हैं। भारत ने यूरोपीय संघ से आयातित कुछ वस्तुओं पर WTO मानदंडों के तहत जवाबी सीमा शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। इस्पात उत्पादों पर यूरोपीय संघ के सुरक्षा उपायों पर आम सहमति नहीं बनने के बाद भारत ने उठाया ये कदम। विश्व व्यापार संगठन को भेजे गए एक संदेश में भारत सरकार ने कहा कि रियायतों का निलंबन यूरोपीय संघ में उत्पादित चुनिंदा उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाने का काम करेगा। झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में धान के लिए केंद्र के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 100 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने की घोषणा की। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में कुल 60 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। टाटा स्टील ने अपने कलिंगनगर संयंत्र में भारत के सबसे बड़े ब्लास्ट फर्नेस को चालू किया। संयंत्र की उत्पादन क्षमता को 30 लाख टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 80 लाख टन प्रति वर्ष करने में मदद करेगा। अदानी टोटल गैस लिमिटेड ने अपने कारोबार के विस्तार के लिए वैश्विक कर्जदाताओं से $37.5 करोड़ का वित्त पोषण हासिल किया। ATGL ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं के साथ निष्पादित $37.5 करोड़ के पहले वित्त पोषण में प्रतिबद्धताओं को बढ़ाने के लिए ऋण सुविधा के साथ $31.5 करोड़ की प्रारंभिक प्रतिबद्धता शामिल है। NPS वात्सल्य योजना की शुरुआत के पहले दिन लगभग 9,700 नाबालिग अंशधारक इससे जुड़े, योजना की शुरुआत इसी सप्ताह हुई है। मोबाइल सेवा शुल्क में वृद्धि का असर जुलाई में स्पष्ट दिखाई दिया। रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या घटी है। जुलाई में सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के ग्राहकों की संख्या 29.40 लाख बढ़ी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 13 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते में $22.3 करोड़ बढ़कर $689.46 अरब के नए ऑयल टाइम हाई पर पहुंच गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हर हफ्ते नए रिकॉर्ड बना रहा है। 30 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार $2,683.99 अरब पर पहुंच गया है।
रियल एस्टेट कंपनी वेव ग्रुप ने जबरदस्त हाउसिंग डिमांड के बीच दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 4,200 एकड़ की टाउनशिप वेव सिटी में करीब 9,000 फ्लैट बनाने की योजना बनाई। वेव सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव गुप्ता ने कहा कि वे 70 लाख वर्ग फुट एरिया में 8,000 से 9,000 फ्लैट बनाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें स्पाइस जेट को भुगतान न करने पर 3 विमान इंजन का इस्तेमाल बंद करने और पट्टेदारों को वापस करने का निर्देश दिया गया था। श्रीलंका में आज राष्ट्रपति पद के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 13,400 से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है। 2022 में आर्थिक संकट के कारण दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गए इस द्वीप राष्ट्र में 38 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतदान संपन्न होने के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। राष्ट्रपति पद के लिए इस बार निवर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे, विपक्ष के नेता और एसजीपी उम्मीदवार साचित प्रेमदासा, एनपीपी नेता अनुराग कुमारा दिसनायके और एसएलपीपी से नमल राजपक्षे मैदान में हैं। राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे एक बार फिर चुनावों में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज विल्मिंगटन डेलावेयर में शुरू हो रहे क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन समुद्री डोमेन जागरूकता पहल के लिए इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप को दक्षिण पूर्व एशिया से हिंद महासागर क्षेत्र तक विस्तारित करने की योजना है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमरीकी नागरिक रसेल बॉन्टले की अप्रैल में हुई मौत मामले में जांच समिति द्वारा बयान जारी कर 3 रूसी सैनिकों पर बॉन्टले की मौत का आरोप लगाया गया। जांच एजेंसी ने कहा कि सैनिकों ने 8 अप्रैल को डोनेस्क में अमरीकी नागरिक बॉन्टले को यातना देकर मौत के घाट उतार दिया था। 2 सैनिकों ने उनके शव को एक कार में डाला और उसे उड़ा दिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई को लाहौर के कहना में अपना शक्ति प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी। स्वास्थ्य बीमा कंपनी स्टार हेल्थ के 3.1 करोड़ ग्राहकों को डाटा चोरी हो गया है। ये डाटा टेलीग्राम पर 2 चैटबॉट से लीक हुआ। स्टार हेल्थ ने कहा कि अधिकारियों को कथित अवैध डाटा लीक की सूचना दी गई है। शुरुआती जाँच से पता चला है कि डाटा से कोई समझौता नहीं हुआ और ये सुरक्षित है। WHO के अनुसार हर साल खाद्य जनित बीमारियों के 60 करोड़ मामले सामने आए हैं और 4,20,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। WHO प्रमुख ट्रेडोस एडनोम ग्रेबियसिस ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने में खाद्य नियामक समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया भर में अहिंसा का संदेश देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई टेस्ट का आज तीसरा दिन है। भारत की कुल बढ़त 450 रन के पार हो गई है। इससे पहले बांग्लादेश की पहली पारी 149 रन पर सिमट गई। भारत की तरफ जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 376 रन बनाए। मैच के दूसरे दिन रविंद्र जडेजा 86 रन बनाकर आउट हुए और जडेजा और अश्विन के बीच 199 रन की शानदार साझेदारी देखने को मिली। आर अश्विन 113 रन की शानदार पारी खेली। जसप्रीत बुमराह के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 400 विकेट पूरे हो गए हैं। गोल्ड टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 237 रन बना लिए हैं। और सरे ने इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में लगातार तीसरा खिताब जीतने में सफल रहे। 1968 के बाद पहला अवसर है जब किसी टीम ने लगातार तीसरी बार काउंटी चैंपियनशिप जीती। और बुलेटिन में यहां रुकते हैं एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। कार तो काफी डैमेज हो गई। नो प्रॉब्लम, मैंने पॉलिसी बाजार को बुला लिया। सर, कार का रिपेयर और क्लेम सेटलमेंट सब हम संभाल लेंगे। इतनी जल्दी? काफी महंगा कार इंश्योरेंस लिया होगा। काफी सेव किया पॉलिसी बाजार से। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत, आइए आगे बढ़ते हैं। चाइना ओपन 2024 के महिला सिंगल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत की मालविका बंसोड़ जापान की अकाने यागामोजी से हार गई। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय दल ने कुल 37 पदक जीतकर अपने अभियान का समाप्त किया। वाणी कपूर ने हीरो महिला पेशेवर गोल्फ टूर के 12वें चरण का खिताब जीत लिया है। वाणी ने 18 महीने की पहली खिताबी जीत हासिल की। चैंपियंस लीग में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। स्पेनिश क्लब बार्सिलोना को पहले ही मुकाबले में फ्रेंच क्लब मोनाको ने 2-1 से हराने में सफलता पाई। ये मैच टीनेजर्स खिलाड़ियों के नाम रहा। मोनाको के लिए 18 साल के नाइजीरियन स्ट्राइकर जॉर्ज इलेनिघा ने अपने डेब्यू पर गोल किया। इंग्लिश क्लब आर्सेनल को इटालियन क्लब अटलांटा के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड ने जर्मन क्लब आरबी लाइपजिग के खिलाफ 2-1 से रोमांचक जीत हासिल की। जर्मन क्लब बायर लेवरकुसेन ने चैंपियंस लीग के अपने पहले मैच में डच क्लब फेयरनोर्ड पर 4-0 की बड़ी जीत हासिल की है। ब्रिटेन की एमा रादुकानु ने कोरिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। जानी मानी टीवी शो निर्माता और होस्ट ओपरा विनफ्रे ने अपने जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री के अधिकार वापस खरीदने और इसके रिलीज को रोकने के लिए एप्पल को भारी रकम का भुगतान किया है। तो एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही, अनुमति दें। नमस्कार।